हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई रियली होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने आपका टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन एमसीक्यूज देख लिए थे, राइट? उससे पहले हमारे जो भी क्वेश्चन नंबर 29 था, ठीक है, उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लेट्स डू होमवर्क सेक्शन देखेंगे, ठीक है। वैसे तो ये होमवर्क है, आपको अपने आप करना है, बट आई विल गाइड यू फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच फेसेस ऑफ द ब्रिक शोन बिलो आर यूज टू बिल्ड अ वॉल। पुट सर्कल अराउंड द ऑर्डर गिवन बिलो द फिगर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ब्रिक का जो फेस होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमें सर्कल कर देना है, ठीक है। तो ब्रिक का फेस एक सर्कल की तरह होता है? नहीं। ट्राइंगल की तरह होता है? नहीं। एक रेक्टेंगल की तरह होता है? यस, ठीक है। ब्रिक का जो फेस होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सर्कल कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें सी कितने साइड्स वाला हमें फिगर दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या है, एक हेक्सागन है, इरेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। सारी साइड्स रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड सेम है, ठीक है। लेकिन क्या ब्रिक का फेस इस तरीके से होता है? नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर होता है? स्क्वायर भी नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रिक का फेस कैसा होता है? एक रेक्टेंगल की तरह होता है, और उसके ऊपर हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ ब्रिक, पुट टेक ऑन देम, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ब्रिक का जो फिगर है उसके ऊपर हमें टिक करना है, ठीक है। ब्रिक का के फिगर जैसी जो ड्राइंग दी है उसके ऊपर हमें टिक करना है। तो क्या ब्रिक सिलेंडर होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होता है? नहीं, ठीक है। तो ये है ब्रिक नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, नहीं क्यूब नहीं है, एक बॉक्स जैसा फिगर है। बट क्या इस तरीके से बॉक्स जैसा होता है ब्रिक का फिगर? नहीं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमें एक टेंट जैसा शेप दिया है, क्या ब्रिक का फिगर ऐसा होता है? नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक क्यूबॉइड फिगर दिया है, ठीक है। तो क्या ब्रिक का शेप ऐसा होता है? यस, ब्रिक का शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। देखो यहाँ पे दिया है हमको एक क्यूब, ठीक है। तो क्या क्यूब जैसा होता है ब्रिक का फिगर? नहीं, क्यूब के जैसा भी नहीं होता। कैसा होता है? क्यूबॉइड जैसा होता है, और हमने उसके ऊपर टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ वॉल विद मेजर 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है कि एक वॉल बनानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, 5 बाय 5 सेंटीमीटर का हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है, बट कैसे करना है मैं आपको बता दूँगी। सी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, देन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का हमें एक स्क्वायर बना लेना है, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या करनी है, एक वॉल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी वॉल ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये वॉल ड्रॉ करने के लिए आप लोग स्केल यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि आप हाथ से ड्रॉ करोगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और वॉल ऐसी नहीं होती है, ठीक है। वॉल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताई है, ठीक है। तो यूज़ योर स्केल टू ड्रॉ दिस वॉल, ओके। नेक्स्ट सी क्या दिया हुआ है। ड्रॉ द जाली झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल्स ऑन द वॉल बिलो, ठीक है। क्या बोला है कि एक झरोखा बनाना है, बट जाली वाला झरोखा बनाना है, ठीक है। तो सी एकदम सिंपल सा पैटर्न लिया है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेनी है। आई रियली होप आपको थोड़ा विजिबल तो होगा, पेंसिल से ड्रॉ किया है तो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, ठीक है। सी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। नीचे भी 2 लाइन्स इसी तरीके से ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा झरोखा। बोला है जाली वाला झरोखा बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सी जाली बना दी है, ठीक है। ये 4 जो यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिए हैं, ठीक है, ये यूज़ करके मैंने जाली बना दी है, ठीक है। तो ये हो गया जाली झरोखा पैटर्न, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक्स। अब बोला है कि 2 फ्लोर पैटर्न बनाओ, ठीक है, यूजिंग ब्रिक्स, ब्रिक फ्लोर पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ब्रिक पैटर्न बना देना है, ठीक है। तो मैंने एक ब्रिक पैटर्न इस तरीके से बनाया और एक ब्रिक पैटर्न इस तरीके से बनाया, ठीक है। अगर आपको ये ब्रिक पैटर्न अच्छा नहीं लगता है तो आप अपनी मर्ज़ी से भी ब्रिक पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप ऐसा ही फ्लोर पैटर्न यहाँ पे बनाओ, ठीक है, इसी तरीके से फ्लोर पैटर्न यहाँ पे बनाओ, और जैसा मैंने जाली झरोखा का पैटर्न इधर बनाया है उसी तरीके से बनाओ, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी, आप अपनी मर्ज़ी से भी जाली झरोखा का पैटर्न अपने चॉइस का बना सकते हो, ठीक है। यू कैन ड्रॉ ऑफ योर ओन चॉइस एंड ऑल्सो 2 फ्लोर पैटर्न, ठीक है, यू कैन ड्रॉ ऑफ योर ओन चॉइस। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू ड्रॉ सेम एज आई हैव ड्रॉन हेयर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे।
ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, पुट टिक बिलो इट. ठीक है, क्या करना है कि जो वॉल स्ट्रॉन्ग होगी उसके ऊपर हमें टिक मार्क करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रिक बहुत अच्छे से अरेंज की गई है. ठीक है, दो ब्रिक्स के बीच में एक ब्रिक रखा है, लेकिन यहाँ पे कैसे किया, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रख दिया है. ठीक है, तो ये वाली ब्रिक, ये वाली जो वॉल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाली वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लात मारेंगे तो वो गिर जाएगी. ठीक है, लेकिन ये वाली ब्रिक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि दो ब्रिक्स के बीच में एक ब्रिक रखी हुई है. ठीक है, तो कौन सी वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वॉल ए जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए के ऊपर टिक मार्क कर देंगे. तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क भी कर दिया है. चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सी क्या है हमारे पास. फिल रेड कलर इन द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रिक पैटर्न दिया है और बोला है कि रेड कलर फिल करना है. ठीक है, अब रेड कलर क्यों फिल करना है कोई बताएगा? ठीक है, क्यों फिल करना है, क्योंकि ब्रिक्स जो होती है वो रेड कलर की होती है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें पैटर्न्स दिख रही हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, रेड कलर फिल करेंगे. ठीक है, तो एक पैटर्न के ऊपर मैं रेड कलर आपको फिल करके दिखा दी हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे. ठीक है, देखो एक तो सबसे पहला पैटर्न ये दिख रहा है. थोड़ा बाहर निकल जाए तो चला लेना, बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है एकदम क्लीन रखना, लेकिन आपको एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से कलर फिल करना है. ठीक है, यू कैन यूज़ स्केच पेन्स और यू कैन यूज़ पेस्टल कलर्स, ऑयल पेस्टल, पेंसिल कलर, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो. बट हो सके तो स्केच पेन यूज़ मत करना, क्योंकि वो पीछे छप जाएगा. ठीक है, ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो स्केच पेन नहीं है, इट इज़ अ ब्रश पेन मार्कर, ये नहीं छपेगा इतना. ठीक है, लेकिन अगर आप स्केच पेन से करोगे तो वो पीछे छप जाएगा. ठीक है, सो यूज़ पेंसिल कलर और ऑयल पेस्टल कलर्स. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न निकल के आ रहा है ब्रिक्स का, एकदम ये एक झरोखा पैटर्न की तरह ही दिख रहा है. यहाँ पे एकदम आई जैसा शेप आ रहा है. ठीक है, ये हो गया, एकदम झरोखा पैटर्न दिख रहा है आपको. ठीक है, इस तरीके से रेड कलर फिल कर देना है. ठीक है, पूरा मैं आपको फिल करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली पैटर्न क्या है. हो गया ये, यहाँ पे भी सी एक दो स्क्वायर्स छूट गए, इसको भी हम फिल कर देंगे. सी ये हो गया एक ब्रिक पैटर्न. ठीक है, जिसको हमने रेड कलर फिल कर दिया है. ठीक है, दिख रहा है ब्रिक पैटर्न. अब क्या करना है, अब यहाँ जो ब्रिक पैटर्न है उसमें आपको एक अच्छा सा पैटर्न ढूंढ के उसको रेड कलर फिल करना है. ठीक है, तो वो आप अपने आप करेंगे, एक तो मैंने आपको करके दिखा दिया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है. ड्रॉ अ ट्राइंगल यूजिंग 3 ब्रिक्स, यानी 3 ब्रिक्स को यूज़ करके क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है. तो मैंने यहाँ पे 3 ब्रिक्स को यूज़ करके ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है. अगर आप इस तरीके से ट्राइंगल नहीं बनाना चाहते हो तो आप अपना ब्रेन यूज़ करके भी ट्राइंगल पैटर्न बना सकते हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से ही ट्राइंगल पैटर्न बनाओ. ठीक है, यूज़ योर ब्रेन ऑल्सो, और कोई नया तरीका निकालो. ठीक है, ब्रिक्स से ट्राइंगल बनाने का. ठीक है, तो मैंने जो यहाँ बनाया है वो कुछ इस तरीके से है. ठीक है, देखो ये एक ब्रिक हो गया, दिस इज़ द सेकेंड ब्रिक एंड दिस इज़ द थर्ड ब्रिक. एंड सी इज़ इट मेकिंग अ ट्राइंगल. ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट. तो इस तरीके से मैंने बनाया. अगर आप कोई और ट्रिक
यूज़ करके ट्राइंगल बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। कोई और ट्रिक अगर आप और ट्रिक से करके बताओगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे भी पता चलेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो कोई नया पैटर्न, ठीक है, नई तरीके से ब्रिक अरेंज करके ट्राइंगल बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है। क्या बोला है कि यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स दी गई हैं, उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो डिटेल्स क्या है, तो ओल्ड ब्रिक्स यानी पुरानी ब्रिक्स, ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक, ठीक है। अगर आपको ओल्ड ब्रिक्स ख़रीदनी है तो उसका प्राइस क्या है, 1200 फॉर 1000 ब्रिक, यानी 1000 ब्रिक्स ख़रीदने के लिए, ओल्ड ब्रिक्स ख़रीदने के लिए आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, 1200, ठीक है। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर, ठीक है, अगर आपको नई ब्रिक्स ख़रीदनी है वो भी कहाँ से ख़रीदनी है, ईटापुर से ख़रीदनी है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1800 रुपीस फॉर 1000 ब्रिक्स, यानी 1000 ब्रिक्स के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1800 रुपीस पे करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन भी है, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ठीक है, अगर आपको न्यू ब्रिक्स ख़रीदनी है लेकिन ब्रिकाबाद से ख़रीदनी है, ठीक है, तो प्राइस क्या है, 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, ठीक है। ये सी हमें यहाँ पे 3 जगह का प्राइस दिया है, ठीक है। ओल्ड ब्रिक्स ख़रीदनी है तो 1000 ब्रिक्स का 1200 रुपीस है, ठीक है। अगर आपको ईटापुर से न्यू ब्रिक्स ख़रीदनी है तो 1000 ब्रिक्स का 1800 रुपीस है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ब्रिकाबाद से न्यू ब्रिक्स ख़रीदनी है तो प्राइस क्या है, 1000 ब्रिक्स का 2000 रुपीस है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। तो सी फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ शैलेश भाई वांट्स टू बाय 500 ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर देन हाउ मच शुड ही पे, ठीक है। तो देखो अब क्या बोला है कि शैलेश भाई को 500 ब्रिक्स ख़रीदनी है फ्रॉम ईटापुर, ठीक है। ईटापुर से क्या करना है, शैलेश भाई को 500 ब्रिक्स ख़रीदनी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि उनको कितने रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ईटापुर का हमें रेट जानना पड़ेगा कि कितना प्राइस है। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज़ ₹800, सी 1000 ब्रिक्स का कितना रुपीज़ है, 1800, कहाँ पे, ईटापुर से, ठीक है। शैलेश भाई को ईटापुर से ब्रिक्स ख़रीदनी है तो हम वहाँ का प्राइस देखेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज़ 1800 रुपीस, ठीक है। अब लेकिन शैलेश भाई को 1000 ब्रिक्स नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ 500 ही चाहिए, तो हमें 500 का प्राइस बताना है, तो कॉस्ट ऑफ 500 ब्रिक क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1000 का हाफ जो है वो 500 होता है, ठीक है। तो जो शैलेश भाई है उनको 1000 ब्रिक्स नहीं चाहिए, 500 चाहिए, यानी कि हाफ ब्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो प्राइस भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 1800 का हाफ प्राइस क्या हो जाएगा, 900, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्टली कर लिया, लेकिन हमें डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, हम मेथड से करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि 500 ब्रिक्स का प्राइस क्या है, ठीक है। 1000 ब्रिक्स का 1800 है तो 500 का प्राइस, क्वेश्चन मार्क, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, 500 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तब देखो एक ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो के साथ कैंसिल, और ये ज़ीरो के साथ कैंसिल। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 180 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 इज ₹900, ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन भी किया, ये आपको भी करना है, ठीक है। तो शैलेश भाई को कितना पेमेंट करना है, ₹900 फॉर 500 ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर, ठीक है। देयरफॉर ही शुड पे ₹900, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ जतिन भाई वांट्स टू बाय 2000 ओल्ड ब्रिक्स देन हाउ मच शुड ही पे। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जतिन भाई को ओल्ड ब्रिक्स ख़रीदनी है, कितनी, 2000, तो हमें यहाँ 1000 का दिया हुआ है, उनको 2000 ख़रीदनी है, यानी कि डबल, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 1200 का डबल प्राइस क्या हो जाएगा, 2400, ठीक है। ये तो हमने ओरली सॉल्व किया, हम अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक, तो 1000 ओल्ड ब्रिक का प्राइस क्या है, 1200, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1000 ब्रिक्स का प्राइस हो गया 1200, लेकिन जतिन भाई को कितनी ब्रिक्स खरीदनी है, 2000, तो कॉस्ट ऑफ 2000 ओल्ड ब्रिक्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क, ये हमें ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाई 1200 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब देखो ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो के साथ, ये ज़ीरो के साथ। अब देखो क्या बचा, 1200 मल्टीप्लाई बाई 2,
सो 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 इज रुपीज़ 2400। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, ये आपको भी करना है, ठीक है। तो जतिन भाई कितना पेमेंट करेंगे? ही विल पे रुपीज़ 2400 और 2400 रुपीज़, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ रजनी भाई वॉन्ट्स टू बाई 3000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, देन हाउ मच शुड ही पे, ठीक है। अब देखो, रजनी भाई को कितनी ब्रिक्स खरीदनी है? 3000 ब्रिक्स खरीदनी है फ्रॉम ब्रिकाबाद, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम प्राइस लिख देंगे कि 1000 ब्रिक्स का प्राइस है 2000, सो द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज रुपीज़ 2000। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 3000 न्यू ब्रिक्स का प्राइस कितना है। तो कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 1000। अब 0 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचता है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि रजनी भाई को कितना पेमेंट करना पड़ेगा? उनको 6000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर उनको ब्रिक्स खरीदनी है कहाँ से? ब्रिकाबाद से। और उन्होंने कितनी ब्रिक्स खरीदी? 3000, ठीक है। तो सैलेश भाई ने कितना पेमेंट किया? 900 रुपीज़। जतिन भाई ने कितना पेमेंट किया? 2400 रुपीज़। और रजनी भाई ने कितना पेमेंट किया? 6000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग द ब्रिक्स ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। तो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना है, जिन्होंने वर्कबुक्स नहीं ली है उनको वर्कबुक्स खरीद लेनी है, ठीक है। स्कूल में सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और अगर सबने बुक्स खरीद लिए हैं दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना, टेक केयर, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक।